हरियाणा के बहुचर्चित बीजेपी नेता अनिल विज का एक और सनसनीखेज बयान सामने आया है और इस बयान ने आते ही खलबली मचा दी है। असल में बिजली परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी विधानसभा सीट पर जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहां विज ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया। विज ने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में प्रशासन ने उन्हें हराने की पूरी कोशिश की। उन्होंने यहां तक कह डाला कि उन्हें मरवाने की भी कोशिशें की गई हैं। मंत्री ने मामले की जांच की मांग की है। तीसरा हौसला प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि अनिल विज को हराया जाए, पूरी कोशिश करी। किसके कहने से करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूर शुदा सड़कें भी बनाने से रोक दी। मंजूर शुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई, भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाई जा सकती थी। कई बार भी कोर्ट ऑफ कंडक्ट इसको मना नहीं करता, लेकिन रोकी, सारे काम रोके गए। और यहां तक ये बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। आपको बताएं, अनिल विज ने ये भी कहा है कि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन इस घटना से एक दिन पहले उनकी आधी सुरक्षा को वापस लिया गया। असल में अनिल विज उस कार्यक्रम की बात कर रहे थे जहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी और अनिल विज वहाँ अपना भाषण देने गए थे। अनिल विज ने आरोप लगाया कि उस दिन सीआईडी कहाँ थी, उन्हें इस प्रदर्शन के बारे में क्यों नहीं पता चला। आपको बताएं, ये घटना गांव गरनाला की है। अनिल विज ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम से जाने से पहले डीजीपी, डीसी, एसीपी, चुनाव आयोग और आरओ को सूचित किया था कि उनका वहाँ कार्यक्रम है, लेकिन वहाँ भी झड़प हुई और इस कार्यक्रम में किसी को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल विज यहाँ नहीं रुके, उन्होंने मंच से अपने संबोधन में अफसरशाही को भी जमकर लपेटा और कहा कि कुछ गद्दारों के साथ मिलकर अधिकारियों ने मुझे हरवाने की भरसक कोशिश की है, मेरे कार्यक्रम में खून खराबा करवाने की भी कोशिश हुई, मेरी हत्या तक की साजिश रची गई। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी इल्जाम लगाते हुए अनिल विज बोले कि किसान यूनियन का झंडा और झंडे के लिए लोग मेरी जनसभा में घुसे थे। विज का कहना है कि इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दो झंडे दिए गए, एक कांग्रेस का तो दूसरा किसान यूनियन का।